अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जूनियर के जी, सब्जेक्ट अरबी। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें आज सीखना है खाली जगह पुरो। यहाँ पर जो हेडिंग लगाया है खाली जगह पुरो, इंग्लिश मीडियम को लगाना है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक यानी जो खाली जगह दी गई है उसी के अंदर हमें हरूफ को लिखना है। तो यहाँ पर पहला हरूफ खाली जगह के अंदर लिखा हुआ है अलिफ। अब हमें उसी के बाद हुरूफ को लिखते जाना है तरतीबवार। जो हम पढ़ चुके हैं, हमने पूरा साल बोल बोल कर लिखा है, तो हमें आसानी के साथ ये हुरूफ लिखते आना चाहिए। यहाँ पर अलिफ हुरूफ लिखा हुआ है, तो अलिफ के बाद कौन सा हुरूफ आएगा, हम इसी तरह एक बॉक्स को छोड़ देंगे और उसी के बाद लिखेंगे बा से बबगा। क्या लिखेंगे? बा से बबगा। बा के बाद कौन सा हुरूफ आएगा, तो हमें लिखना है बा के बाद ता। क्या लिखना है? बा के बाद अलिफ के बाद बा हुरूफ आएगा और बा के बाद ता। ता से तुफा। पहले हमने अलिफ के बाद बा, बा से बबगा। बा से बबगा का माना तोता। ता से तुफा। तुफा का माना सेब। ता के बाद सा। सा से सौब। सा से सौब का माना कपड़ा। सा के बाद जीम। जीम से जमल। जीम से जमल का माना ऊंट, कैमल। जीम के बाद हा। हा से हमामा। हमामा का माना कबूतर। हा के बाद खा। खा से खमर। खमर का माना शराब। खा के बाद दाल। दाल से डूब। डूब का माना भालू। इसी तरह दाल के बाद कौन सा हरूफ आएगा? जाल। तो हमें यहाँ पर लिखना है जाल से जिप। जाल के बाद रौ। रौ से रुमान। रौ के बाद जा। जा से जबीब। जा के बाद सीन। सीन से समक। सीन के बाद शीन आता है। शीन से शजर। शीन से शजर। शीन के बाद सौद आता है। सौद से सहन। सौद के बाद दौद। दौद से दान। दौद के बाद तो आता है। तो से ताउस। तो हमें इसी तरह हुरूफ को लिखते जाना है तरतीबवार। हमें इसी तरह क्या करना है? तरतीबवार हुरूफ को लिखते जाना है। हमारे राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर हमें अच्छे राइटिंग से हुरूफ को लिखना है। तो यहाँ पर हम शीन एक बार फिर से अच्छे राइटिंग से लिखेंगे। शीन। उसी के बाद सौद हुरूफ है। सौद। उसी के बाद दौद। दौद से दान। दौद के बाद तो से ताउस। तो के बाद क्या आएगा? जो। तो हमें यहाँ पर लिखना है जो से जबीब। जो के बाद आयन। आयन से इनाब। आयन के बाद गायन। गायन से गसाला। गायन के बाद फा। फा से फिल। क्या आएगा? फा से फिल हुरूफ। तो हमें अच्छे राइटिंग से हुरूफ को लिखना है फा से फिल। फा के बाद कॉफ आएगा, तो हमें यहाँ पर लिखना है कॉफ से किर्द। कॉफ के बाद काफ। काफ से कुर्सी। काफ के बाद लाम आता है। लाम से लेमन। लाम के बाद मीम। मीम से मिफ्ता। और मीम के बाद नून। नून से नमीर। नून के बाद वाव। वाव से वर्द। वाव के बाद हा। हा से हातिफ। हा के बाद हमजा। हमजा से अनफ। और हमजा के बाद या। या से यद। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर या तक, अलीफ से लेकर या तक तरतीबवार हुरूफ को लिखा, पढ़ा और समझा। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह हमें हमारी अरबी की नोटबुक में खाली जगह को पूर करते सीखना है, खाली जगह को लिखते सीखना है, ताकि हम पेपर के अंदर अगर इसी तरीके की कोई खाली जगह पूछी जाए तो हम आसानी के साथ लिख सकते हैं। और हमें अलिफ से लेकर या तक के मुफरद हुरूफ ये जो लिखे वो हमें आना चाहिए। हमें लिखते भी आना चाहिए, बीच बीच वाले हुरूफ भी लिखते आना चाहिए और पढ़ते भी आना चाहिए। हुरूफ की समझ भी होनी चाहिए। हमें हमारी अरबी की नोटबुक में अलीफ से लेकर या तक इसी तरह तरतीबवार हुरूफ को लिखना है दो मर्तबा। ये हमारा होमवर्क है। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।